हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ITCS स्टडीज में स्वागत है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं आइसोमेट्रिक व्यू में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किस तरह से टॉप फ्रंट साइड व्यू निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों तो मेरा वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आप हम शुरू करते हैं दोस्तों, इसी को हमको आज बताना है दोस्तों। क्वेश्चन 2003 और 2004 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पूछ दिया था दोस्तों, लेकिन इसमें भले समझ लेते हैं किस तरह से दोस्तों निकलना है। टॉप फ्रंट साइड भी तो आप जानते हैं दोस्तों, इसमें दिया हुआ नहीं है कि कौन टॉप है और कौन फ्रंट है, मगर नीचे में सर मतलब नीचे में दिखाया हुआ है कि इसमें कौन फ्रंट है। दोस्तों हम ऊपर से देखें तो ये मेरा क्या दोस्तों, ये मेरा टॉप है ना। टॉप को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्लान, ठीक है ना। टॉप को हम प्लान ही बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना दोस्तों टॉप, टॉप व्यू ये यही है दोस्तों टॉप व्यू। दोस्तों ये जो ई लिखा है दोस्तों, ई एलिवेशन, ठीक है ना, इसमें एलिवेशन यानी कि दोस्तों क्या है, फ्रंट। फ्रंट को क्या देखिए दोस्तों, ये जो दोस्तों फ्रंट, ये एलिवेशन, एलिवेशन या फ्रंट, ठीक है ना दोस्तों, एलिवेशन या फ्रंट, जितना तो आप समझ गए दोस्तों। और ये साइड है, इधर से देखेंगे तो साइड है। जब दोस्तों ऊपर से आप देखिएगा इसको, ऊपर से जब देखिएगा ना इसको आइसोमेट्रिक व्यू को, तो क्या दिखेगा दोस्तों, जब ऊपर से देखिएगा यहाँ से आप देखिएगा तो आपको ये दिखेगा, यहाँ से ये वाला फेस, फिर यहाँ से ये कटा, ये वाला दिखेगा गड्ढा टाइप, और फिर ऊपर से ये वाला आपको दिखेगा ये, और फिर ये, और फिर यहाँ से ये वाला दिखेगा आपको, यही ना दोस्तों दिखेगा ऊपर से जब देखेंगे तो। तो ये मेरा क्या दोस्तों टॉप, टॉप की बातें हैं दोस्तों। अब हम फ्रंट पे, फ्रंट दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, फ्रंट दोस्तों क्या है इसमें, जब भी देखिए फ्रंट देखेंगे यहाँ से तो हमको क्या दिखेगा दोस्तों, यहाँ से ये वाला भाग, फिर यहाँ से इतना ये जो भाग है दोस्तों, ये मेरा फ्रंट है, फिर यहाँ से देखेंगे तो ये भी हमको दिखेगा दोस्तों, ये मेरा क्या दोस्तों फ्रंट। फ्रंट समझ में आ गया है दोस्तों। अब हम समझते हैं साइड, साइड कहाँ से होगा। साइड दोस्तों यहाँ से जो दिख रहा है दोस्तों, इस तरह से देखेंगे तो साइड मेरा यही दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, यही मेरा साइड हो गया दोस्तों। तो हमको यही बनाना है अभी। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, अपने ड्राइंग शीट पे इस तरह से फोर क्वाड्रेंट बना लेना है दोस्तों। क्या है इसमें, अपना मन से आप फोर क्वाड्रेंट बनाना है, खींच दीजिए ऐसे करके, खींच दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, बेस लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर से देखिए दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों, दस दस करके छोड़ दीजिए, देखिए दस इधर दस इधर। ये छोड़ने से क्या होता है दोस्तों कि आपका ड्राइंग गलती नहीं होगा। इस तरह से क्वाड्रेंट बन गया मेरा। तो ये दोस्तों क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं, ये बन गया। दस दस छोड़ के आप, और देखिए दस, देखिए दस छोड़ेंगे तो दस यहाँ से यहाँ, फिर दस इधर है, दस इधर इधर। इस तरह से समझ में आ गया क्वाड्रेंट किस तरह से बनता है। तो वीडियो को पूरे शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमको समझा देते हैं कि इसमें कितना दिया हुआ दोस्तों। यहाँ से जिसका दूरी है दोस्तों, यहाँ से लेके देखिए कितना दोस्तों, सिक्स क्या, 76 है ना दोस्तों, 76, और फिर दोस्तों कितना, 19। तो दोस्तों इसको है ना 19, तो हमको क्या करना है दोस्तों, जोड़ के इसको देखिए कितना जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 95। तो हमको 90, टोटल दूरी कितना है दोस्तों, 95 है, और इसका हाइट कितना है दोस्तों, 50 है ना दोस्तों, 50। तो 50 हमको लेना पड़ेगा, और फिर जो दोस्तों ये 50 हो गया। अब ये जो कटा हुआ भाग है कितना है दोस्तों, 19। यहाँ से देखिए ये जो है ना 19 है, और इसका जो दोस्तों ये जो कटा हुआ यहाँ से जिसका ऊंचाई है दोस्तों, यहाँ पर से कटा हुआ ये कितना है दोस्तों, 12 है। तो हमको वही लेना है। तो चलिए ले लेते हैं हम। आपको इस तरह से सेट स्क्वायर होगा बड़ा वाला, इस तरह से दो गो सेट स्क्वायर होगा। आपको क्या था 95 ना, देखिए 95 है, तो 95 हम ले लेंगे। यहाँ से आप रखिए, देखिए इस तरह से आपको रखना है, और 95 देखिए यहाँ पर से 95 दोस्तों कहाँ आ रहा है मेरा, यहाँ पे आ रहा है ना 95, ये मेरा 95 हो जाएगा। और इसमें क्या करना है दोस्तों, 95, अब इसको लेना है ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है दोस्तों, 50 देखिए यहाँ से रखेंगे, दिख रहा है ना आपको 50, देखिए यहाँ पे, तो 50 इस तरह से कर दिया। आपको क्या करना है, इस तरह से कर लेना, और इसको अब हमको खींच देना है ना, जैसे ले लिए तो माप लिए। अब क्या करना है, इस बेस लाइन को रखना है, क्या है कि ऊपर वाला बना लेते हो, इस तरह से दिखेगा ना, देखिए इस तरह से आ जाएगा, ये जो दिख रहा है इस तरह से फिगर बनेगा। इस पे ना तिरछा करके दिखाया हुआ है, देखिए इस तरह से, जैसे कि इस तरह से है दिखा हुआ। तो हम बनाएंगे तो ऐसे थोड़ी बनाएंगे, ऐसे ना बनाएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो चलिए इस पे इसको है, इस पे इस तरह से रख लेना है, ठीक है। और क्या करना है, इस तरह से चाँप के पकड़ना है, और देखिए नीचे वाला हिलना नहीं चाहिए दोस्तों, तो ऊपर वाला लाइन फिर गलत हो जाएगा। और देखिए ऐसे करके स्लाइड कराइए, देखिए तुम सही आ जाएगा ना, देखिए
इधर से ऐसे करके आपको क्या करना है, मिला लेना। देखिए तो यहाँ पर रखते हैं, तो हम इसी को बेसलाइन मान लेते हैं, क्या ऐसे है ना। और इसको यहाँ पर रख के दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से मिला लेना। देखिए ना, इस तरह से इतना बीच वाला जो दोस्तों बेस लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसी वजह से टेढ़ा। देखिए आपको किस तरह से, इस तरह से मिला लेना है ना। देखिए इस तरह से आपको मिला के, और इस तरह से देखिए कहाँ 50 था, कहाँ पर यहाँ पर खड़े थे ना 95, यहाँ पर देखिए आ गया ना, मिल गया। और इस तरह से आपको खींच लेना, ये इस लाइन खींच लीजिएगा। देखिए यहाँ से इस पॉइंट से रख के इस पॉइंट से खींच लेना है। अब इस पॉइंट को इस बिंदु से क्या करना है, आपको मिला देना है। उसके बाद देखिए ये तो मेरा बन गया, इस तरह से बन गया ऊपर वाला। अब बताना होगा ना कि इसमें कौन कौन सा भाग कटा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए इसका 12 है ना दोस्तों, इधर ये इतना दोस्तों 12, फिर इधर 12, और इधर भी 12 था, ठीक है। तो हमको दिखाना पड़ेगा, तो चलिए 12 12 हम काट लेते हैं। देखिए 12 काटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे से काटेंगे तो एक यहाँ पे 12 आएगा, एक इधर से लेंगे तो 12 मेरा कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे आ रहा है 12। और इसके बाद कितना दोस्तों, इसका 38। देखिए है ना, यहाँ से जो दिख रहा है दोस्तों कटा हुआ भाग, यहाँ से इसका कितना है, यहाँ से ये 38 है, तिरछा कटा हुआ ना, इसी वजह से आपको लगा है ये 38। तो हमको कितना देना, 38। देखिए यहाँ से रखना है 38, देखिए कहाँ रहा मेरा, यहाँ पे, तो ऊपर भी 38 होगा। देखिए यहाँ पे 38 आ रहा है, देखिए 10 20 30, ये कितना आ गया दोस्तों 38 मेरा का, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। अब इस दोनों को क्या करना है, 38 आ रहा है तो इस दोनों को पॉइंट को मिला लेना है। देखिए इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों 12 है ना, 12 ही ना, अब वो क्या करना है, 12 को इससे मिला देना है। देखिए अब हमको इस पॉइंट से मिला देना है ना दोस्तों, कॉर्नर टेढ़ा है ना, देखिए यहाँ से इसको मिलाएंगे ना, तो इसको इसमें तुमको क्या करना है, इसी तरह से इसमें मिला देना है, इस पॉइंट पे रखना है। देखिए आपको इस तरह से मिला देना है, फिर इधर मिला लेना है, यहाँ पे रख के देखिए सेट स्क्वायर से ही कीजिएगा, तभी ये सीधा बनेगा दोस्तों, एकदम सही से है, एकदम शुद्ध बनेगा, शुद्ध। देखिए इस तरह से हो गया ना, देखिए इस तरह से मेरा क्या बन गया दोस्तों, सेफ बन गया ना। देखिए सेफ इस तरह से ऊपर टॉप बन गया। अब हमको दोस्तों 19 ने लेना है, देखिए यहाँ से इसका दूरी कितना डिस्टेंस, इतना जो दोस्तों ये 19 ना है, तो 19 हमें लेना होगा। तो फिर क्या करना है, यहाँ से रख के हम अपना 19 कहाँ पे आएगा, देखिए देखिए यहाँ पे आ रहा है ना दोस्तों। तो क्या करना है, 19 नीचे भी था 19, देखिए नीचे 19 लेंगे तो यहाँ पे आ गया। अब दोनों को क्या करना है, देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से इसको सेट स्क्वायर के चाप के, और इसको देखिए इस पॉइंट से मिला दिया। आपको लग रहा है ना दोस्तों, आप सही देखिए एकदम सेम सेम लग रहा है ना, इस तरह से देखिए ये बन गया। तो दोस्तों ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा टॉप बन गया, टॉप व्यू। क्या है दोस्तों, ये टॉप व्यू है। तो दोस्तों अब वो क्या बनाना है, हमको फ्रंट, फ्रंट बनाना है, किस तरह से बनेगा। तो दोस्तों फ्रंट बनाएंगे तो देखिए इसका भी दूरी क्या होगा दोस्तों, यही दूरी होगा ना 95। तो हमको क्या करना है, 95 लेना है, और देखिए इसको जो इसका भी ऊंचाई कितना है 50, तो हमको 50 लेके बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 95 लेना है, तो 95 देखिए ये भी ऊपर वाला भी था ना 95, तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसमें हम क्या करना है, इसमें सटा के और इसमें नीचे खींच देना लाइन, देखिए इस तरह से खींचेंगे तो ये मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। देखिए 95 बन जाएगा, ये हो गया दोस्तों 95। ठीक है, ये 95 बन गया। अब हमको क्या करना है, 50 लेना है ना, तो हमको क्या करना है इसमें 50, देखिए 50 लेना है, तो क्या करेंगे हम 50 लेंगे यहाँ से, देखिए रखिए, और 50 देखिए मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 50 आएगा ना, फिर इधर भी आएगा 50, देखिए हमको क्या आएगा, यहाँ पे भी 50 आएगा ना। देखिए इस तरह से 50 आ जाएगा। अब वो क्या करना है, इसमें इसको और इसको मिला देना है। लेकिन दोस्तों इससे 19 देखिए छूटा हुआ है ना, उसमें 19 इसमें से काटा हुआ है, तो हम यहाँ से अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको हम काट लेते हैं, इसको रख के देखिए इस पे रखिए और इस पॉइंट पे रखिए,
19 क्या करना हमको दोस्तों, कर लेना। देखिए 19 कहाँ पे आएगा, तो मेरा 19 देखिए दोस्तों, ये 10 और 10 कितना जाएगा, 19 मेरा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। और इसका कितना था ऊंचाई दोस्तों, 12। तो हम इधर से ही अभी 12 ले लेते हैं। चलिए इस तरह से हमको क्या करना है, 12 ले लेना है। अभी इस पॉइंट को इस पॉइंट से रखना है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से रखना है, आपको दिख रहा है ना ये। और इसको क्या करना है, इसको देखिए यहाँ से इसको मिला देना है। इस तरह से हम मिला दिए, देखिए ये वाला लाइन आ गया ना, ये लाइन। अब हमको क्या करना, ऊपर उठाना है। तो चलिए ऊपर उठाने से पहले क्या करना है, ऊपर भी हमको 12 ले लेना ताकि गलत ना हो। देखिए 12 लेंगे तो कहाँ पे आएगा मेरा, यहाँ पे आ रहा है। ओ सॉरी 19 ना है दोस्तों, 19 ना है, इसका हाइट 9। तो 19 लेंगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब हम क्या करना है, इसको इस पॉइंट से रखना है। देखिए इस पॉइंट से रख के हमको 12 उठा देना। देखिए 12 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब इसको क्या करना है, इस पॉइंट से मिला देना है। देखिए इस पॉइंट से मिला देना है, तो आपको दिख रहा है इस पॉइंट से मिलाए तो। देखिए इस तरह से बन गया ना, इस तरह से। देखिए ये खींचे, फिर इसका देखिए ये जो दोस्तों ना, यही 12 है मेरा, क्या है 12। और इसका फिर देखिए इसका डिस्टेंस कितना दोस्तों, यार ये वाला है दोस्तों, ये मतलब कितना है 19। तो हमको दोस्तों ये 19 हो गया, ये 12 हो गया। अब इस तरह से बन गया। अब ऊपर वाला भी दिखाना होगा ना, कि यहाँ से जो कटा हुआ भाग है दोस्तों, ये कटा हुआ भाग ये भी दिखाना होगा ना। तो इसी में हम क्या कर लेंगे, काट के हम बताएंगे। लेकिन देखिए कितना है इसको दोस्तों, देखिए कितना है दोस्तों, 38 ना है। देखिए यहाँ से ये 38 है, तो हमको क्या करना, 38 लेना होगा। देखिए यहाँ पे रख के 38 लेंगे। देखिए दोस्तों कितना, 30 इधर हो गया, कितना 38, ये ना आएगा दोस्तों 10 20 30। देखिए कितना 38 यहाँ पे आएगा मेरा। उसके बाद क्या करना हमको, नीचे कितना है दोस्तों, 12 ही ना है, 12। तो क्या करना है आपको, यहाँ से रख के, और देखिए 12 मेरा यहाँ पे आ गया। तो 12 हम इधर भी ले लेते हैं ताकि सही है, ये एकदम सीधा सीधा प्रॉपर ढंग से बने। देखिए यहाँ पे ले लिए। अब हम क्या करना है, इसको देखिए मिलाना है, इस पॉइंट को रखना है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को देखिए इस पॉइंट से इसे रखिए। और क्या करना है हमको, इस तरह से हमको यहाँ तक खींचना है, खींच दिया। कितना था दोस्तों, ये 38 ना था, तो 38 ले लेंगे। देखिए 38 कहाँ आ जाएगा, 38 यहाँ पे आ रहा है ना। अब हम क्या करना है, इसको मिला देना है, इस पॉइंट को मिला देना है, इतना मिल गया। अब हमको 19 छोड़ना होगा ना ऊपर से, मतलब ये वाला दिखाना होगा ना कि 19 यहाँ पे है कि नहीं। तो 19 हमको दिखाना पड़ेगा, तो फिर हमको क्या करना है, इसको मिटाना पड़ेगा इससे। तो चलिए हम 19 माफ लेते हैं, फिर मिटा लेंगे 19। देखिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 19 है ना। तो हमको क्या करना है, 19 इसको हम खींच लेते हैं, तो फिर ऊपर बीच में मिटा देंगे जो ज्यादा हो गया है। देखिए क्या करना है, यहाँ तक ना 19। अब हमको क्या करना है, इसको मिलाना है, इसको मिला दिए। और दोस्तों ये जो था ये नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। देखिए ये वाला हम पूरा खींच देते थे, तो ये नहीं होगा। तो आप क्या देखिए इस तरह से लग रहा है ना आपको, ये क्या हो गया दोस्तों, फ्रंट, ये क्या हो गया मेरा, फ्रंट हो गया, जिसे हम एलिवेशन या फ्रंट कहते हैं, है ना दोस्तों, फ्रंट व्यू है दोस्तों। क्या ये दोस्तों फ्रंट व्यू हो गया। अब हमको इसी तरह से दोस्तों क्या बनाना है, साइड, थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो टॉप मेरा इसी में होगा, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टॉप होगा, उसके जस्ट नीचे क्या होगा मेरा, फ्रंट होगा। और इसके बगल में क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा दोस्तों, मेरा साइड है। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में बना रहे हैं तो इसमें टॉप बनेगा और इसके जस्ट नीचे बनेगा फ्रंट, और फ्रंट के जस्ट बगल में क्या बनेगा दोस्तों, साइड। तो चलिए अब हम साइड बना लेते हैं। साइड का देखिए दोस्तों कितना है, 57 57 है, तो हमको 57 लेना होगा। देखिए 57 कहाँ से लेना होगा, देखिए 57, देखिए 57 कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से रखिए। देखिए 10 20 30, देखिए 57 मेरा कहाँ आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है ना 57।
मेरा यहाँ पे आ रहा है देखिए 57, 58, 59, 16, तो 59 यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसका ऊंचाई कितना है दोस्तों, तो कितना है 50 ना, इसका हाइट है 50 है, तो 50 लेंगे फिर इधर से, यहाँ से रख के देखिए क्या दोस्तों 50 लेना होगा, तो 50 ले लिए। अब इस ले लिए दोस्तों 50। अब हम क्या करना है, इसको देखिए सीधा खींचने के लिए इसको इस लाइन से मिला दीजिए, देखिए एक ही से टू स्क्वायर से डबल फायदा है। क्या करना आपको, एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से, खींच दिया इस तरह से हो गया मेरा। अब क्या करना है, इस तरह से देखिए इस तरह से खींच दिया। अब वो क्या करना है, सीधा होने के लिए इस पॉइंट को मिला देना है, देखिए सीधा करने के देखिए इस पॉइंट पर रखना है इस, देखिए अब ये इसी को आप ही मान लीजिए सीधा होने के लिए 20 पॉइंट, देखिए यहाँ पर रखिएगा, देखिए हो गया ना, इसको इस तरह से रख के देखिए इस तरह से मेरा बन गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि बन गया। अब हम क्या करना, ऊपर दिखाना होगा ना ये वाला, तो चलिए हम दिखा देते हैं इसमें। इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी हमको चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों हमको क्या करना है, देखिए इसमें 12 लेना है, तो 12 लेंगे फिर इधर 12 है ना, इसका ऊंचाई कितना है दोस्तों 12, तो 12 ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए 12 पर टिक कर लेना है, क्या करना है देखिए 12 पर टिक कर लेना, देखिए 12 लेंगे तो मेरे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है ना, और फिर इधर से देखिए 12 लेंगे तो मेरे कहाँ आ रहा है, देखिए दोस्तों 12 यहाँ पे आ रहा है, देखिए 10 11 12 12 यहाँ पे आ रहा है, फिर नीचे कितना है दोस्तों 12, तो चलिए 12 ले लेते हैं। 12 कितना आ गया दोस्तों, नीचे 10 11 12 इस तरह से, और इस तरह से इसमें भी क्या करना, 12 लेना है, देखिए 12 ले लिए। अब वो क्या करना दोस्तों, इसको मिलाना है पहले, चलिए यहाँ पे रख के यहाँ पे रखिए, और देखिए खींच दीजिए 12 हो गया ना, और फिर इधर रखिए और देखिए इस तरह से 12, अरे यहाँ पे आ गई 12। अब क्या करना है दोस्तों, इसको इसको मिला देना, देखिए इसको मिला दिया। अब हम क्या करना, फिर इसको भी मिला देना होगा, इस तरह से मिला दिए हो गया। अब क्या करना है, इस तरह से तो मिल गया ये, लेकिन इसको मिटा देते हैं, ये क्या होगा दोस्तों, ये लाइन नहीं होगा। चलिए दोस्तों मेरा इस तरह से क्या बन जाएगा दोस्तों, साइड देखिए साइड बन गया ना दोस्तों, ये कितना है देखिए 50 था ना, तो 50 ले लिए, 50 ले लिए थे ना दोस्तों, ये 50 था यहाँ से, और 50 देखिए हो गया। और उसके बाद दोस्तों क्या है, इस ये कितना था इधर देखिए 57, तो 57 तो इस तरह से आपको बढ़ गया है ना, तो आपको इस तरह समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा, ये जो कटा हुआ भाग है दोस्तों, इसके भी अंदर कटा होगा ना इस तरह से, इस तरह से जो हमको नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या होगा दोस्तों दिखाना होगा। तो चलिए इसको इतना ही होगा ना, चलिए हमको क्या करना है दोस्तों, इसके देखिए इसके सामने रखेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा मेरा, देखिए यह क्या होगा, डॉटेड होगा, देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डॉटेड करके, ये डॉटेड करके हो जाएगा ना, देखिए इस तरह से दिखेगा ये। तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साइड व्यू हो गया, क्या दोस्तों ये दोस्तों है ना, मेरा साइड व्यू है। तो बहुत इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये क्या हो गया, मेरा साइड व्यू बन गया। तुमको क्या है दोस्तों, साइड व्यू बन गया। यहाँ पर क्या दोस्तों लिखना है, ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देना ऑल डायमेंशन आर इन, और ये दोस्तों क्या है, इसको जो हमको डायमेंशन कर देना है। तो चलिए हम वीडियो को रोक के डायमेंशन कर देते हैं और उसके बाद बताएंगे। तो दोस्तों क्या करना है आपको, इस तरह से डायमेंशन एन कर देना है दोस्तों। डायमेंशन एन करना कितना दोस्तों, 1/3 होता है। 1/3 मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो एरो है ना दोस्तों, यही एरो, जैसे कि ये एरो, ठीक है दोस्तों,
देखिए दोस्तों ये एक होगा, देखिए ये एक, तो इसके तीन गुना, तो देखिए तीन गुना इसके सामने वैसे करके उसी को कहते हैं 1/3। तो आपको समझ में आ गया होगा है। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो का कर दीजिए लाइक, करिए कमेंट, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ आपसे हम लोगों को निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।